दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब लोग बढ़िया? बढ़िया। नाइस। मेरा पूरा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, तो बहुत सारे लोग कुलश्रेष्ठ बोल नहीं पाते। लोग मुझे बीच में कुरुक्षेत्र बोलने लगे थे, तो मैंने कहा इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, तो मैंने कुल्लू कर लिया उसको। और आप लोग मेरे को मतलब लाइटली नहीं ले सकते, मैं स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा कोर्स करके आया हूँ, पूरा कोर्स। अच्छा। मैं बॉय स्कूल गया हूँ बचपन में। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी है। फिर मेरी जीवन भर कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ये तीन कोर्स हो चुके हैं और चौथा कोर्स था कि लाफ्टर में आना है, वो मैं आ चुका हूँ। अच्छा, भोपाल में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, बस से कॉलेज जाता था। मैं कहा चलो बस में बढ़िया है, अपन किसी लड़की के बगल में बैठेंगे, हवा से उसके बाल उड़ेंगे, नजरों से नजरें मिलेंगी, इश्क होगा। इतने लंबे जर्नी में मैं पहले दिन कॉलेज गया, मैं बस में इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं ड्राइवर के बगल में बैठा हूँ यूं। उसका गियर बीच में होता था। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को किस चीज में मजा आ रहा। सुनो, वो गियर बदल रहा है, मैं डर रहा हूं मेरा गियर ना बदल जाएगा। सुनो, वो गियर लगा रहा है, गियर लगा रहा है वो, 1 2 3, मैं फोन नहीं लगेगा। कह रहा है सर फोन लगाने तो। मैंने कहा भाई तूने फोन लगा दिया, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। अब भोपाल ऐसा छोटा शहर नहीं है, जिन लोगों को लगता है भोपाल छोटा शहर है, भाई साहब तमीज से। हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिस पे डोमेस्टिक की 4 फ्लाइट जाती हैं। हमारे एयरपोर्ट पे इतनी कम फ्लाइट जाती हैं कि हमने एयरपोर्ट स्टाफ को पार्ट टाइम पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ लोगों से पूछते ना, जैसे किसी पार्टी में आप जाओ और आप किसी से पूछो कि आप क्या काम करते हो, और वो बोल दे कि मैं एयरपोर्ट स्टाफ में हूँ, तो उससे पूछा जाता है और बेटा आगे का क्या सोचा है। मैं अपने कॉलेज को बता रहा था, बड़े बड़े कॉलेज में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाया जाता है कॉलेज के द्वारा। फेस्ट होते हैं, है ना शेखर जी? बिल्कुल। फेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, एक दूसरे की क्लासेज होती हैं सेल्सा की। हमारे कॉलेज में को करिकुलर के नाम पे वृक्षारोपण शिविर होते थे। अब प्लांटेशन ड्राइव में कोई बंदा किसी बंदी को कैसे इंप्रेस कर सकता है? बंदी क्या बोलेगी, कल तक इसको जानती नहीं थी लेकिन क्या पेड़ लगाता यार ये। और फिर मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में लोग बहुत तेज है, मतलब बहुत अलग ही जीवन है। मैं बॉम्बे लोग आते हैं अलग अलग मकसद से आते हैं, कोई अपनी मेहनत करने आता है, कोई अपना नाम बनाने आता है। मेरा एजेंडा क्लियर था बॉम्बे आने का, मेरे को अमीर लोगों से दोस्ती करनी थी। मेरे वो कर लिया भाई, मेरे दोस्त बहुत अमीर है। और अमीरों का दिमाग कैसे चल रहा है इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ आजकल। अच्छा। अमीर लोग खुद बोरना उसके लिए कुत्ता रखते हैं, और कुत्ता बोरना उसके लिए एक आदमी रखते हैं। मैंने कहा हायरार्की कब तक चलेगी यार। मेरे एक दोस्त है, वो खुद 5 फुट का है, कुत्ता उसने 6 फुट का रखा हुआ है। उसको हम लोग कहीं भी बुलाते हैं कि भाई हैंग आउट करने आ जा, कह रहा नहीं यार वो घर पे अकेला है। एक बार मैं शाम को गया उसके घर, तो इतने बड़े कुत्ते को 6 फुट के कुत्ते को हाथ से खाना खिला रहा है। मैं क्या हो गया, इसकी तबीयत खराब है? कह रहा नहीं। मैं तू हाथ से खाना खिला रहा तू? कह रहा यार इसकी हमने आदत खराब कर रखी है बचपन से, जब तक इसको हाथ से खाना नहीं खिलाते ना हम लोग, ये खाना नहीं खाता। मैं कहा तुम एक बार कंफर्म कर लो कि तुमने कुत्ता पाला है या कुत्ते ने तुम्हें पाला है। गुड वन। इस इक्वेशन में मालिक कोई और लग रहा है मुझे। अमीर इंसान अगर पेट लवर है तो उससे जहर कोई इंसान नहीं पूरी दुनिया में। मेरी एक दोस्त है, मैं उससे पूछ रहा था कि उसके घर पे कितने पेट्स हैं, वो मुझे बता रही है। कह रही है मेरे घर पे 4 कुत्ते हैं, 5 बिल्लियां हैं, 3 पैरेट्स हैं। मैंने पूछ लिया टिकट कितने का है। मैं चटक गया, मैंने कहा चिंपांजी नहीं है? कह रही नहीं यार वो तो आजकल जीजू की फार्म हाउस पे रहता है। मैंने देखा नहाने को लेके यहाँ पे बहुत एंथुसियास्टिक लोग। अच्छा। बम्बई में बहुत नहा रहे हैं यार लोग। नहा रहे? भोपाल में आदमी अपनी शादी के दिन में तभी नहाता है जब 5 लोग बोल दें कि यार आज तो नहा लो यार। उसमें भी वो ये बातें कर रहा होता है, यार कल रात में ही नहाया था यार, 24 घंटे नहीं हुए अभी। यहाँ आके मेरे को पता चला कि शरीर पे लगाने का साबुन और मुंह पे लगाने का साबुन अलग अलग है। भाई भोपाल में मैं तो बाथरूम में जाता था, जो बट्टी हाथ में आती थी उससे नहा के निकल जाता था।
तीन बार मैं बर्तन मांजने के साथ उनसे नहा के बाहर आ गया कि नींबू की खुशबू आ रही है शायद मम्मी कुछ नया लेके आई है थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच तुमने जिस तरह से अपने भोपाल के बारे में बोला और भोपाली लोगों के बारे में बोला तो तुम्हारा अंदाजे बयां बहुत अलग है एक बहुत सिंसियरिटी के साथ तुम जो बोलते हो और खुद जो बात बोल रहे हो उस पर ही तुम ताज्जुब कर रहे हो कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है तो जिस इनोसेंस और सिंसियरिटी के साथ तुमने अपना मटीरियल पेश किया है वो बहुत यूनिक है वेरी वेरी वेल अब छोटा नाम ही इस्तेमाल करता हूँ कुल्लू कुल्लू ऐसे कभी कभी लोग गलत भी सुन लेते होंगे नहीं नहीं नाम कुल्लू है सर इसीलिए शादी नहीं हुई अभी तक मनाली नहीं मिल रही इसको शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी वेरी इंडियरिंग परफॉर्मेंस थैंक यू सर वेरी इंडियरिंग जी आदित्य हाँ जी सर आपके भोपाल की क्या खासियत है आपकी भोपाल की खासियत है सर कि हम लोग फेंकते बहुत ज्यादा है अच्छा जैसे अभी अब मैं आया हूँ यहाँ पे और आपने शेखर जी ने हंस दिया मेरे जोक पे तो मैं घर जाके ही नहीं बताऊंगा कि शेखर जी ने हंस दिया है मैं पहले पांच लोग इकट्ठा करूंगा मेरे घर पे अरे मैं बता रही हूँ तुमको कि मैं गया वहां पे मैंने जोक करा शेखर जी हंस हंस के उसकी सांस फूल गई भाई साहब शेखर जी की सांस फूल गई उनने शो रुकवाया कह रहा पहले हंसूंगा आधा घंटा उनने शो रुकवा दिया कुकी पाजी ने कहा इसको बुलाओ तो मुझे मत बुलाया करो पब्लिक तो पागल हो गई और शेखर जी ने बोला कि तुम कंटेस्टेंट लायक ही नहीं हो तुम तो इधर बैठो ये कुर्सी बुला के मेरे को बीच में बिठा लिया अर्चना मैडम और शेखर जी के बीच में और तुम हमको बताओ तो कब चलनी है यार तुम फेंक रहे हो या सपने देख रहे हो अच्छा नहीं बाद में जब शो चलेगा ना घर वाले बोलेंगे बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं था शो में नहीं नहीं ऐसी चीजें काट देते हैं ना हाँ वही लेकिन पूछे ना कि यार दिखाया तो अरे थप्पड़ दिखा देंगे यार बाकियों को बुरा लगेगा ना यार सबका लेके चलना पड़ता है अपने को यार बस यही सब है मामला हमारे भोपाल के साथ